Hello friends, so hope all of you are doing well. In today's session we are going to discuss about the Playboy of the Western World. Basically this play is a three-act play written by Irish playwright John Millington Synge and was first performed at the Abbey Theatre, Dublin on 26 January 1907. दोस्तों मैं ये बात आपको बताता चलूँ, ये जो एबे थिएटर है जिसमें इस प्ले को पहली बार इनेक्ट किया गया था उसका एक को-फाउंडर जॉन मिल्टन सिंज भी है, जो काफ़ी ज़्यादा एक प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर हैं आयरलैंड में, और उनको काफ़ी हद तक मतलब कंसिडर किया जाता है टू बींग ए रिवोल्यूशनरी इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन आयरलैंड। दोस्तों इस प्ले का एक खास बात यह है कि जब इसको पहली बार परफॉर्म किया गया था 26 जनवरी 1907 डबलिन एबे थिएटर में, तो उसके कुछ देर बाद ही वहाँ पे राइट्स हो गए थे डबलिन में। तो द राइट्स वर स्टिर्ड बाय आयरिश नेशनलिस्ट एंड रिपब्लिकन्स हु व्यूड द कंटेंट्स ऑफ द प्ले एज एन ऑफेंस टू पब्लिक मोरल्स एंड एन इंसल्ट अगेंस्ट आयरलैंड। द राइट्स टुक प्लेस इन डबलिन, सो ये डबलिन में शुरू हुआ था, स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम द एबे थिएटर एंड फाइनली बींग क्वेल्ड बाय द एक्शंस ऑफ डबलिन मेट्रोपॉलिटन पुलिस। The fact that the play was based on a story of apparent patricide also attract a hostile public reaction. तो आपको इस प्ले में देखने को मिलेगा कि कैसे पैट्रिसाइड जो है बेसिकली किसी के पेरेंट्स को मार देने के उसी के प्रोसेस को पैट्रिसाइड बोलते हैं, उसको कैसे ग्लैमराइज किया गया है, उसको कैसे जस्टिफाई किया गया है प्ले में। तो इसी बात के चलते क्या हुआ था, वहाँ पे बहुत हॉस्टाइल रिएक्शन मिला था उस प्ले के इनैक्टमेंट के बाद। सो आफ्टर नोइंग लिटिल बिट अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द प्ले, लेट्स कम टू द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। So the main characters on the play are the first of all the antagonist and the protagonist at the same time, that is Christy Mahon, a man who brags he has killed his father. ऐसा एक बंदा जो ये क्लेम करता है इस प्ले में कि उसने अपने फादर का मर्डर कर दिया है, ठीक है। फिर उनका फादर का भी यहाँ पे कैरेक्टर है ओल्ड महन जो क्रिस्टिस फादर हैं। उसके बाद कुछ और कैरेक्टर्स हैं, माइकल जेम्स फ्लेहार्टी ए पब्लिकन, मार्गरेट फ्लेहार्टी जिसको हम लोग प्ले में पीगन माइक की तरह जानेंगे, माइकल्स डॉटर है बेसिकली एंड ए बारमेड। उसके बाद है शॉन क्योग, ए यंग मैन हु लव्स पीगन और बेसिकली कजिन भी हैं पीगन के। फिर है विडो क्वीन, ए विडो ऑफ अबाउट 30s। फिर फिली कलन एंड जिमी फेरल कुछ फार्मर्स। फिर सारा टांसे, सूजन ब्रैडी, ऑनर ब्लेक एंड नैली विलेज गर्ल्स, ए बेल्समैन एंड सम पेजेंट्स एंड फार्मर्स, जिन लोगों का रोल काफी नॉमिनल और बहुत ही कम है। As I mentioned in the beginning that the Playboy of the Western World is basically a three-act play, so let's start with the act one of the play. The entire play is set in a public house or hub on the wild coast of Mayo, outside a village in northwestern Ireland. Pagan Mike, daughter to the alehouse owner, sits alone in the pub, writing a letter to order supplies for her upcoming wedding to Sean Keogh. Her father, Michael James, has left her for the evening while he attends a wake. दोस्तों कहानी का शुरुआत होता है एक पब्लिक हाउस पब से, जो बेसिकली एक पब है ऑन द वाइल्ड कोस्ट ऑफ मे। वहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये दिखाया जाता है कि पीजन माइक जो है, मैंने बताया था आपके कैरेक्टर लिस्ट में एक कैरेक्टर है जो कि डॉटर ऑफ माइकल जेम्स है, वो क्या कर रही है, अपनी शादी की तैयारी कर रही है। और उनकी शादी किसके साथ फिक्स है, शॉन कियोग के साथ। Sean Keogh enters, remarking upon the frightening darkness outside. Pagan asks him to stay with her since the night makes her nervous as well. Sean refuses, claiming it would be improper for him to be alone with her until they were wed. However, he offers to send the widow queen to stay with her. Sean then reveals that he heard a man outside wailing from a ditch. दोस्तों अगला जो कैरेक्टर स्टोरी में दिखाया जाता है एक्ट वन में, वो होते हैं शॉन क्योग, जो उस पब में आते हैं पीजन माइक से मिलने के लिए। और यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि जो शॉन कियोग है उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा टिमिड है, वो डरे हुए रहते हैं, डरे और सहमे हुए रहते हैं। तो वो आके बताते हैं कि कैसे उनको डर लग रहा था यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि पीजन माइक जो है वो उनको ऑफर करते हैं कि आप आज रात यहीं पर रुक जाओ बिकॉज वो अकेली हैं, लेकिन शॉन कियोग जो होते हैं वो काफ़ी एक कैरेक्टर वाइज स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं। ही रिफ्यूजेस द ऑफर और बोलते हुए कि मतलब वो शादी से पहले उनके साथ नहीं ठहर सकते रात को, विच विल बी मॉरली इनप्रॉपर। माइकल जेम्स एंटर्स अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स फिली एंड जिमी, दे आर ड्रंक एंड हैव नॉट येट लेफ्ट फॉर द वेक। माइकल जेम्स डिमांड्स शॉन स्टे विथ पीजन, बट शॉन रिफ्यूजेस, फियरिंग द डिसअप्रूवल ऑफ द पैरिश प्रिस्ट। शॉन फ्लीज बिफोर द मैन कैन ट्रैप हिम, बट क्विकली रिटर्न्स टू देम that he saw a face looking up out of the ditch. दोस्तों आगे ये दिखाया जाता है कि मतलब पब में एंट्री होता है पीजन माइक के फादर का, माइकल जेम्स का, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वो वापस आते हैं फिली एंड जिमी के साथ, जो बहुत ज़्यादा पी रखे होते हैं, और वो लोग
ये बात शॉन को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप ठहर जाओ आज रात, कोई बात नहीं है। यू कैन सी द आयरनी हियर गाइस, कैसे एक फादर एक होने वाले अपने जो यू नो सन इन लॉ है उनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी बेटी के साथ शादी से पहले ठहर जाए रात को, लेकिन जो शॉन है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं क्योंकि उनको इस बात का डर रहता है कि शादी से पहले अपने होने वाली वाइफ के साथ ठहरना विल बी मॉरली रॉन्ग, क्योंकि उनको इस बात का डर भी रहता है कि जो प्रिस्ट हैं उनको ये बात पसंद नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है कि शॉन जब बाहर निकल जाते हैं वो वापस फिर से जल्दी में आ जाते हैं ये बोलते हुए कि उन्होंने किसी को देखा है जो डिच में पड़े हुए आवाज़ कर रहा है। Christy Mahan, frightened and dirty, enters the pub. A shy young man, he simply wishes to warm himself by the fire, but soon enough reveals that he was on the run from the police. दोस्तों कहानी में जो अगला कैरेक्टर का एंट्री दिखाया जाता है वो होते हैं इस कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर Christy Mahan, जो आवाज़ शॉन को बाहर सुनाई दे रहा था एक डिच में से। वो बेसिकली Christy Mahan ही थे वो जो वहाँ पे छुपे हुए थे, और वो काफ़ी ज़्यादा डरे और सहमे रहते हैं और वो पब में आ जाते हैं और वो ये भी बताते हैं कि वो पुलिस से भागते फिर रहे हैं। आपको आगे जानने को मिलेगा कि क्या है वो रीज़न बेसिकली। He tries to avoid talking about it, but the man pester him until he admits that he killed his father. The group is greatly impressed by this news, and to meet a man who could kill his own father, Michael James offers him a job on the spot. Noting that Christy would keep Pageon company this evening, Michael, Philly and Jimmy then leave for the week, and a very intrigued Pageon chases Sean away. Pageon admires Christy, complimenting him on his physique, his face, his speech and his courage. Christy swells with unfamiliar pride. Widow Quinn appears, having heard about Christy from Sean. The widow tries to seduce him, but Pageon insults and sends her off. As she leaves, however, the widow refers to Pageon's impending nuptials with Sean. The news devastates Christy, since he has fallen for her. However, she assures him that she would never marry a coward like Sean, and then heads off to bed. Before he falls asleep, Christy muses to himself that he would have killed himself's father much sooner if he had known it would bring him such respect and fortune. दोस्तों ये reason basically ये था कि जिसके लिए मतलब ये जो character है Christy Mahan जो भागे हुए थे वो ये था कि उन्होंने ये क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने अपने फादर का खून कर दिया है, मर्डर कर दिया है, और पुलिस से भागते हुए फिर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ लाइक ब्लेमिंग हिम और एक्यूजिंग हिम ऑफ द क्राइम, वहाँ पे क्या होता है एटमॉस्फेयर का सीन ऐसा हो जाता है कि मतलब सब लोग उसको प्रेस करने लगते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे तीन कैरेक्टर हैं बेसिकली जेम्स और उनके दो फ्रेंड्स, वो लोग इस बात को बहुत ही ज़्यादा एक्लेम करते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेव होना पड़ेगा किसी को अपने फादर को मारने के लिए। तो आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि कैसे मतलब पैट्रिसाइड को यहाँ पे ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो दैट इज़ बेसिकली द आयरनी ऑफ द एंटायर प्ले दोस्तों, इसी की वजह से मतलब इसको बहुत ज़्यादा ब्लैकलैश मिला था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि जब Christy ये सब बोल रहा होता है तो यहाँ पे जो Pageon होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो काफ़ी हद तक शी फॉल्स फॉर हिम। इनफैक्ट ये भी दिखाया जाता है कि Christy Mahan को जब पता चलता है कि सब लोग उसको बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके फादर के डेथ पे, उसके डेड फादर के मर्डर पे, वो ये सोचते हैं कि उन्होंने अपने फादर का मर्डर पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके वजह से उसको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट और ऑनर मिल रहा था। उसी के चलते क्या होता है गाइस, पब में एंट्री होता है एक और एक कैरेक्टर का, विडो क्विन, ठीक है, जो कि 30s में होती है। वो वहाँ पे आ जाती है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा था Christy Mahan के बारे में, और वो वहाँ आके क्या करती है, उनको सेड्यूस करने की कोशिश करती है शॉन के ऑफर से। ठीक है, शॉन ने उनको एक्चुअली ऑफर किया था कि मतलब किसी तरह से Christy को Pageon से दूर करने के लिए, लेकिन Christy क्या होता है कि Christy रिफ्यूज द प्रपोजल ऑफ विडो क्विन और वो डिसाइड करते हैं कि वो पब में ही रहेंगे। So with this, the Act 1 ends and the Act 2 starts. Act 2 के beginning में ये दिखाया जाता है कि 3 village girls arrive the next morning to see the man they have heard gossip about. They giggle and flirt with him until Widow Quinn arrives, announcing that she has registered Christy for a sports competition being held later on the beach. The girls joke that a widow and Christy would make a fine match. As they eat breakfast, Christy tells more about the murder, about how he rebelled when his father promised him to a widow whom he did not want to marry. When his father lifted a scythe, as their argument grew vicious, Christy struck back with a spade, hitting the old man on the head and killing him. Pageon enters and chases the woman out. Jealous, she accuses Christy of flirting, which he denies. The two exchange kind, tender words. They are falling in love. Sean and Widow Quinn re-enter and alert Pageon that her sheep has wandered off.
Pigeon rushes out, leaving them alone. Sean offers Christie a one-way ticket to America and all his fine clothes if he promises to leave the village. Christie rejects the offer, but the widow encourages him to try on Shaw's clothes anyway. Christie agrees and leaves the room to change. Once Christie is gone, Sean promises to give the widow animals and wealth if she can find a way to interfere with Christie and Pigeon's affair. The widow strikes a deal with Sean, promising to lure Christie into marrying her, not Pigeon. Content, Sean leaves. दोस्तों एक्ट टू के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो कुछ विलेज गर्ल्स होती हैं सारा सूजन ऑनर एंड नैली वो पब में पहुंच जाते हैं क्रिस्टी को मिलने के लिए बेसिकली क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा था क्रिस्टी के बारे में और वो वहाँ पे आके क्या करते हैं वहाँ पे आके देखते हैं कि विडो क्वीन वहाँ पे ऑलरेडी होती है और वो वहाँ पे क्रिस्टी से उसका ग्लोरियस मर्डर के बारे में सुन रही होती हैं। शॉन जो होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं पब में और क्रिस्टी को ऑफर करते हैं वन वे टिकट टू अमेरिका और कुछ अच्छे नए कपड़े भी देते हैं। क्रिस्टी क्या करते हैं वो बहुत चालाक निकलते हैं, वो कपड़े तो ले लेते हैं लेकिन मतलब उस ऑफर को, अमेरिका जाने का ऑफर को ठुकरा देते हैं। उसी बीच क्रिस्टी क्या करते हैं वो कपड़े ट्राई करने के लिए दूसरे कमरे में चले जाते हैं और इसी बीच क्या होता है शॉन विडो क्वीन से ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर किसी तरह से वो क्रिस्टी और पिजन के बीच डिफरेंसेस या दूरियां लाने में सक्सेसफुल हुई तो वो क्या करेंगे, उनको बहुत सारा एनिमल्स और वेल्थ गिफ्ट में दे देंगे। क्रिस्टी स्ट्रट्स बैक इन वेयरिंग शॉन्स क्लोथ्स बट स्टैगर्स बैक व्हेन ही सीज द स्पिरिट ऑफ हिज मर्डर्ड डा आउटसाइड द विंडो। ही हाइड्स जस्ट एज ओल्ड महन हिज फादर एंटर्स। ओल्ड महन ए बैंडेज राउंड हिज ब्लडेड हेड डिस्क्राइब्स क्रिस्टी एंड देन आस्क्स वेदर द विडो हैज सीन someone matching that description. The widow then sends Mahon off to the docks, claiming she saw the boy waiting to board a steamer. Mahon exits. Christie panics over his father's resurrection. Knowing that Pigeon loves him for his murderous heroism, he worries she will leave him. He begs the widow to help him, which she agrees to do in exchange for privileges once he becomes the master of the pub. The girls who visited earlier arrive to lead Christie down to the beach for the sports competition. Alone, the widow admits that Christie will eventually turn to her once the truth comes out and Pigeon drops him. दोस्तों अब कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। क्या होता है कि जब क्रिस्टी वो नए कपड़े पहन के शो ऑफ कर रहा होता है तब उसके जो फादर है ओल्ड महन जो वो सोच रहे थे जिनका मर्डर करने की वजह से उनको इतना ज़्यादा ऑनर और इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा था, इतना फॉर्चून मिल रहा था, वो वापस उनको खोजते हुए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये पता चलता है कि जो उनका मर्डर अटैम्प्ट था वो एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं हुआ था और जो ओल्ड महन थे जो उनके फादर थे वो बच गए थे और वो अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। तो ढूंढते ढूंढते वो कहाँ पे आ जाते हैं, पब में आ जाते हैं और वहाँ पे उनका मुलाकात होता है विडो क्वीन से। विडो क्वीन क्या होती है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होती है। वो ये कोशिश करती है कि किसी भी तरह उसके फादर को क्रिस्टी से दूर रखा जाए और वो उनको एक दूसरा लोकेशन दे देती है जहाँ पर बोलती है कि उसके ऐसे डिस्क्रिप्शन के लड़के को उन्होंने कहीं पे देखा है। तो ओल्ड महन जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं लेकिन अंदर ही अंदर विडो क्वीन का ये प्लानिंग रहता है कि किसी तरह से क्रिस्टी को अपना बना लिया जाए। सो यहाँ पे एक्ट टू खत्म हो जाता है दोस्तों एंड द एक्ट थ्री स्टार्ट्स। बेसिकली द एक्ट थ्री स्टार्ट्स विद जिमी एंड फिली एंटरिंग द एम्प्टी पब डिस्कसिंग हाउ क्रिस्टी हैज डोमिनेटेड द कॉम्पिटिशन। दे ऑल्सो एडमिट दैट ही इज कंस्टेंट बोस्टिंग अबाउट हिज पैट्रिसाइड एनॉयज देम। Old Mahon re-enters the pub, showing the man his wound. He asks again after his son. Right as the man begins to grow suspicious, Widow Queen enters and confides to Jimmy and Philly that Mahon is crazy and has co-opted Christie's story for attention. When the man tries to interrogate Mahon further, the widow interjects to distract them. When the cheering from the beach reaches the pub, Mahon looks out to window to see the competition's champion, Christie. The widow convinces him that he is seeing things because of his head injury and he anxiously leaves to admit himself to an insane asylum. Jimmy and Philly leave with him. Christie and Pigeon enter with the crowd, who celebrate Christie and then leave to watch the final competition on the beach. Alone now with Pigeon, Christie proposes marriage and she accepts. दोस्तों एक्ट थ्री के शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि जो पिजन के फादर हैं उनके जो दो फ्रेंड्स हैं जिमी और फिली वो पब में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे क्रिस्टी ने गेम्स में अच्छा परफॉर्म किया है और उनको इस बात का भी बहुत तकलीफ होता है कि कैसे वो पैट्रिसाइड को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और जस्ट बिकॉज मर्डरिंग हिज फादर उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी और ऑनर मिल रहा है। उसी टाइम क्या होता है ओल्ड महन जो होते हैं जो बेसिकली क्रिस्टी के फादर होते हैं वो
पब में वापस आते हैं क्रिश्ची को ढूंढते हुए, और वहाँ जिमी और फिली से मिलते हैं, और वहाँ वो क्या करते हैं, वो क्रिश्ची के बारे में पूछ रहे होते हैं। विडो क्वीन को फिर से दिखाई देता है कि उनका जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो जा रहा होता है, कि क्योंकि अगर किसी भी तरह से ये पता चल जाए कि अगर क्रिश्ची ने अपने फादर को नहीं मारा है तो जो भी पॉपुलैरिटी उनको मिला है वो वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। तो विडो क्वीन क्या करती है, वो कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ओल्ड मैन थोड़े पागल से हो गए हैं और उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है क्योंकि उनके सर में चोट लगी है, ठीक है। उसके बाद वापस ओल्ड मैन वहाँ से चले जाते हैं और वो दिखाया जाता है कि कॉम्पिटिशन में क्रिश्ची फिर से जीत जाते हैं, और उसके बाद क्रिश्ची क्या करते हैं, पीजन को शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं और पीजन मान जाती है, वो यस बोल देती है। माइकल जेम्स स्टिल ड्रंक फ्रॉम द वेक एंटर्स विद शॉन। नाउ परटर्ब्ड अबाउट क्रिस्टिस इन्फ्लुएंस ऑन हिज डॉटर, माइकल इंसिस्ट शी विल मैरी शॉन। पीजन डिफाइज हर फादर एंड अनाउंस हर इंटेंशन टू मैरी क्रिस्टी, एंड माइकल इनकरेजेस शॉन टू फाइट क्रिस्टी फॉर हर। व्हेन शॉन कावर्डली रिफ्यूजेस, माइकल डिसाइड्स टू ब्लेस क्रिस्टी एंड पीजन्स मैच। Outside, a cry goes up as Old Mahan bursts into the pub, rushing at Christie and knocking him down. When the older man reveals the truth, Pigeon repudiates Christie. He then begs mercy from her and the crowd, but they will not grant it. दोस्तों कहानी में आगे ये दिखाया जाता है कि माइकल जेम्स जो हैं, जो कि पीजन के फादर होते हैं, वो वापस पब में आते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रंक होते हैं, और वहाँ वो शॉन के साथ आए हुए होते हैं, और वो वहाँ पे आके पीजन को बोलते हैं कि उनको शॉन के साथ शादी करना चाहिए, लेकिन पीजन ब्लैंटली रिफ्यूजेज इट, सेइंग कि मतलब शॉन बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी है। इसी के चलते माइकल जेम्स ये बोलते हैं शॉन को कि आप अपने होने वाले वाइफ के लिए लड़ो वहाँ पे क्रिस्टी से, लेकिन शॉन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक किस्म के आदमी होता है और वो मना कर देता है। तो इसी के चलते क्या होता है, माइकल जेम्स को ये जो शादी है क्रिस्टी और पीजन का, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये दिखाया जाता है कि जो ओल्ड मैहन है, जो फादर होते क्रिस्टी में क्रिस्टी के, वो पब में वापस आ जाते हैं और इस बार वो क्रिस्टी को रंगे हाथों पकड़ लेता है और क्या करता है, उसको नॉक कर देता है, ठीक है। और वहाँ पे वो पूरा स्टोरी बोल देता है, जिसके चलते क्या होता है कि जो क्रिस्टी ने जो स्टोरी बना के रखा हुआ होता है उसका भांडा फूट जाता है। पीजन अर्जस मैहन टू टेक हिज सॉन अवे, बट क्रिस्टी रेजिस्ट मैहन। द क्राउड एक्स ऑन द फाइट बिटवीन फादर एंड सन अंटिल क्रिस्टी टर्न्स ऑन देम विद अ स्पेड। ही देन चेजेस हिज फादर फ्रॉम द पब, द स्पेड हेल्ड हाई। एवरीवन रशेस आउट टू वॉच। ऑफ स्टेज देयर इज अ लाउड क्राई एंड देन साइलेंट। क्रिस्टी स्टंबल्स बैक इन डेज्ड। विडो क्वीन फॉलोज, अर्जिंग क्रिस्टी टू रन सिंस द क्राउड हैज टर्न्ड अगेंस्ट हिम, बट क्रिस्टी बिलीव्स दैट पीजन विल टेक हिम बैक नाउ दैट ही हैज एक्चुअली किल्ड हिज फादर। ही इज रॉन्ग। फ्रॉम द डोरवे, माइकल, फिली एंड पीजन थ्रो अ लूप ऑफ रोप अराउंड क्रिस्टी, कन्फाइनिंग हिज आर्म्स एंड टोर्सो। क्रिस्टी आस्क्स पीजन वेदर शी विल टेक हिम बैक, बट शी असर्ट्स दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गैलस स्टोरी एंड अ डर्टी डीड। Breathing on the floor, Christie threatens to kill them and bites Sean in the leg. Pigeon bursts Christie with a hot poker. Woked up, Christie conjures the welcome he shall receive from Satan once he has been hanged. But then Mahan crawls back in, demanding to know why his son is bound. He releases Christie, who then asks whether the man has returned to be killed a third time. Old Mahan tells the group that he and Christie will talk of County Mayor's villainy for years to come. However, Christie will not live peacefully with Mahan, whom he pushes roughly, declaring that his departure is that of a gallant captain with his heathen slave. Old Mahan is amazed and delighted by the change in his son. They then leave together. Sean approaches Pigeon to remind her of their wedding engagement. She boxes Sean's ears and sends him out, crying wildly. She laments that she has lost the only playboy of the Western world. दोस्तों अब क्रिस्टी जो होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है अपने कन्फ्रंटेशन के बाद, और वो दूसरी बार फिर से कोशिश करता है अपने फादर को मारने का, लेकिन इस बार जो क्राउड का रिएक्शन होता है एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। जो क्राउड होता है, जो पहले इस बात को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहे थे, वो अब क्या होता है कि क्रिस्टी के अगेंस्ट हो जाते हैं और सब लोग मिलकर क्रिस्टी को बांध देते हैं। लेकिन क्या होता है कि क्रिस्टी के जो फादर है ओल्ड मैहन, उनका डेथ तब भी नहीं हुआ होता है और वो वापस आके अपने बेटे को छुड़ा लेते हैं। और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि मतलब ओल्ड मैहन जो है वो अपने बेटे को लेके वहाँ से चले जाते हैं। तो उन दोनों के चले जाने के बाद ऐसा होता है कि जो शॉन होता है वो वापस पीजन के पास आता है और वो बोलता है कि अब जब क्रिस्टी सीन में नहीं है, उनको वापस शादी कर लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है, पीजन इस प्ले का एंड करती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन बोल के, जो होता है कि शी हैज़ लॉस्ट द ओनली प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड।
So this is the video, guys. Hope you have understood the basic plot summary of the Playboy of the Western World. In case if you have any other doubts regarding the play or any other work by any other literary figure, then do feel free to comment below. We'll definitely try to cover it up. And in case if you have noticed, we have covered most of our topics from your MEG program. So do consider watching the playlist in our YouTube channel. And as usual, God bless you and thank you.